बेंगलुरु की महिला चालक तो बेहद खतरनाक निकली। ना प्रशासन का डर था और ना ही इस बात का डर कि अगर उसकी इस हरकत से शख्स की जान चली गई तो क्या होगा। लेकिन यहाँ तो महिला ने एक शख्स को कार के बोनट पर करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा। कार चलाती रही और शख्स कार के बोनट पर जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। जिस किसी ने वीडियो देखा हर कोई दंग था। बेंगलुरु की सड़क पर यह नज़ारा लोगों के कैमरे में कैद हुआ। वैसे मामला दो कारों के बीच आपसी टक्कर का है। इस बीच दोनों के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान महिला ने अश्लील इशारा किया था। महिला नेक्सन कार चला रही थी जिसका नाम श्वेता है। टाटा नेक्सन और मारुति स्विफ्ट के बीच टक्कर होती है। स्विफ्ट कार दर्शन नाम का शख्स चला रहा था। टक्कर के बाद श्वेता और दर्शन के बीच पहले बहस हुई और इस दौरान महिला की ओर से अश्लील इशारा किया गया। जब दर्शन महिला से बात करने उसकी गाड़ी की ओर बढ़ता है तब महिला गुस्से में अचानक कार चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन दर्शन खुद को बचाने के लिए कार के बोनट पर आ गया। लेकिन उसके बाद महिला ने कार नहीं रोकी बल्कि कार के बोनट पर करीब 1 किलोमीटर तक शख्स को घसीटा, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है। बाद में 1 किलोमीटर घसीटने के बाद कार को रोका गया और दर्शन के साथियों ने कार में तोड़फोड़ की और पूरा मामला थाने पहुंच गया। वैसे कार में घसीटने का ये मामला पहला नहीं है, लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोग सड़क दुर्घटना होने पर इसी तरह से अक्सर लोगों को घसीट रहे हैं। कभी बाइक से नज़ारा दिखा तो कभी गाड़ी से इसी तरह की घटनाएँ सामने आई हैं। और एक बार फिर बेंगलुरु में ये वीडियो हैरत करने वाला है।